अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन शाशलिक स्टिक की है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया, इसे क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर एक शिमला मिर्च लिया है, एक टमाटर और एक प्याज लिया है। इन तमाम सब्जियों को क्यूब्स में काट लिया है। अब इसे चिकन में ऐड कर देंगे। यहाँ पर वाइट पेपर 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और सोया सॉस 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और साथ विनीगर भी 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 कप केचप ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद इसे स्टिक में लगा लेंगे। इस तरह तमाम स्टिक रेडी कर लेंगे। इसे अब फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए फ्राई करने के लिए पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें चिकन स्टिक रख दिया है। इसके लिक्विड को चिकन स्टिक के ऊपर डाल देंगे ताकि ये लास्ट में ज़ाया ना हो और इसे पका लेंगे। साथ ही इसके साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए चिकन शाशलिक स्टिक तैयार है। इस तरह तमाम स्टिक को पका लेंगे। वक्फे वक्फे से इसके साइड चेंज करते रहेंगे। तकरीबन ये 7 मिनट में रेडी हो जाएंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।